असलम डेयर स्टूडेंट्स आई होप यू आल आर डूंग वेल दिस इज़ यम्प्यूटर क्लास एंड टूडे वी विल कंटिन्यू आर चैप्टर नंबर फाइव एडिटिंग विद एम एस वर्ड एंड टूडे आर टॉपिक विल बी एंटरिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट दिस इज़ दार्ट थ्री ऑफ द वीडियो सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को कैसे एंटर और इंसर्ट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सबसे पहले हम सीखेंगे हम यहाँ पे टेक्स्ट को कैसे एंटर कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है जहाँ पे भी आपको अपना टेक्स्ट एंटर करना है आपका कर्जर उसी लोकेशन पे होना चाहिए उसके बाद आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हेलो टाइप किया तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में टाइप करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एंटर की प्रेस करनी होगी तो ये मैंने यहाँ पे एंटर किया और आप देख सकते हैं कर्जर नेक्स्ट लाइन पे आ गया तो अब मैं यहाँ पे भी हेलो टाइप करूँगी तो अब इसके बाद मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पे दो लाइन्स के बीच में और स्पेस चाहिए उसके लिए यहाँ पे मैं एंटर की दो बार प्रेस करूँगी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मैंने एंटर दो बार प्रेस किया और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करूँगी तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हेलो टाइप किया तो अब हम यहाँ पे पैराग्राफ को टाइप करते हैं और पैराग्राफ को टाइप करने के टाइम आपको नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली रैप करके नेक्स्ट लाइन में ले जाता है तो जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ और ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला गया तो आपने देखा कि जब मैं यहाँ पे लाइन के एंड पे पहुँच गई तो मुझे एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में लाया और यहाँ पे हम बाकी का पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं और बिना एंटर प्रेस किए टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा पर यहाँ पे अगर आप एक नई लाइन या नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम आप यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगी और एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करूँगी तो इस तरह से हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट अब हम सीखेंगे हम एम एस वर्ड में टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस है शी इज वियरिंग ए न्यू सिल्क ड्रेस तो अब हम इस सेंटेंस में वर्ड रेड इंसर्ट करेंगे निव और सिल्क के बीच में तो यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले माउस का पॉइंटर उस लोकेशन पे ले जाएंगे जहाँ पे आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है और वहाँ पे आप फिर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे स्पेस डालेंगे और फिर नया टेक्स्ट टाइप करेंगे तो जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे न्यू एंड सिल्क के बीच में एक नया वर्ड रेड इंसर्ट किया तो इस तरह से आप एम एस वर्ड में टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं आई होप यू हैव अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय अल्लाह हाफिज